1808 में आज ही के दिन दुनिया की मशहूर ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक एंड सन्स के संस्थापक थॉमस कुक का जन्म हुआ। 1890 में आज के दिन इटली में पहली बार आम चुनाव हुए। आज के दिन 1892 में लुमानी कांगो के युद्ध में बेल्जियम ने अरब को हराया। युद्ध में करीब 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1904 में आज के दिन अमेरिका के सेंट लुइस में तीसरे ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। 1914 में आज के दिन दिल्ली और उर्दू के प्रसिद्ध कहानीकार कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ। उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः हिंदी में लिखा। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1930 में आज के दिन भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी दिलकश आवाज से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया। गीता दत्त ने हिंदी के अलावा कई बंगला फिल्मों में भी काम किए। 1937 में आज के दिन प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और पुरातत्वविद जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। बोस को रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की। साथ ही जगदीश चंद्र बोस भारत के पहले ऐसे शोधकर्ता थे। जगदीश भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। वह विज्ञान कथाएं भी लिखते थे और उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 1946 में आज के दिन वियतनाम के हैफियोंग शहर में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज में लगी भीषण आग से 6000 लोग मारे गए। 1983 में आज के दिन देश में पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1997 में आज के दिन साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता निराद सी चौधरी 100 वर्ष के हुए। 2006 में आज के दिन अमेरिका ने रूस की जेट निर्माण कंपनी सुखोई से प्रतिबंध हटाया।